उधर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने आतंकी हमलों से जूझ रहे पाकिस्तान का जमकर मजाक उड़ाया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए ये दावा किया कि पाकिस्तान की सेना में इतनी ताकत भी नहीं बची कि वो अपने देश की सुरक्षा कर सके। मतलब ये कि तालिबान के प्रवक्ता ने सीधे सीधे पाकिस्तान की सेना को बेकार बता दिया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान की सेना को सख्त लहजे में चेतावनी भी दे दी। तालिबान ने ये चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा अपने यहाँ हुए किसी भी आतंकी हमले के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वहाँ हुए पिछले दो हमलों में तालिबान के शामिल होने की आशंका जताई थी, जिससे तालिबान भड़क गए और उन्होंने पाकिस्तान की सेना को बेकार बताते हुए शहबाज शरीफ सरकार को आईना दिखा दिया। इस बीच TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तानी सेना पर भीषण हमला बोल दिया। पाकिस्तान की सेना TTP के ठिकानों पर पिछले कुछ दिनों से लगातार ड्रोन हमले कर रही है, जिसका बदला लेने का ऐलान TTP ने कुछ दिन पहले ही किया था। और उसी ऐलान के बाद TTP ने पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी पर इतना जोरदार हमला किया कि पाकिस्तान की सेना के 10 जवानों की मौत हो गई। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में TTP के आतंकियों ने वहां गश्त कर रही पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों को निशाना बनाया, जिनमें मौजूद 6 जवानों ने वही दम तोड़ दिया जबकि 4 जवानों की इलाज के दौरान मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुए इस भीषण हमले के कुछ देर बाद ही इसकी जिम्मेदारी TTP ने ले ली। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक TTP ने ये चेतावनी भी दी कि अगर पाकिस्तान की सेना ने अपनी कार्रवाई पर लगाम न लगाई तो उस पर और भीषण हमले होंगे। लेकिन पाकिस्तान की सेना के लिए अकेली मुश्किल नहीं है। सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान की सेना के 4 कमांडरों ने वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत कर दी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक वहां हालात इतने बिगड़ गए कि सेना ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को नजरबंद कर पाकिस्तान की बागडोर ब्रिगेडियर रैंक के एक अधिकारी को सौंप दी। और सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति अलवी की जगह वही ब्रिगेडियर पाकिस्तान से जुड़े सारे फैसले ले रहे हैं। आरोप है कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने सेना से जुड़े एक बिल पर साइन करने से मना कर दिया, जिसके बाद वहां हालात बिगड़ गए। और पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इसके बाद उन्हें राष्ट्रपति भवन में ही नजरबंद कर लिया गया। वहीं दावा तो यह भी है कि सेना प्रमुख आसिम मुनीर के भरोसेमंद 9 कमांडरों में 4 ने उनके खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। आशंका जताई गई कि इमरान खान पर लिए गए एक्शन की वजह से पाकिस्तानी सेना में बगावत हुई, क्योंकि माना जा रहा है कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद ही पाकिस्तानी सेना के कमांडरों के बीच आपसी मतभेद बढ़ गए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना में फूट पड़ने की आशंका जताई जाने लगी। इधर पटना में मामूली बात पर दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और देखते देखते सरेआम उन लोगों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसका हैरान कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और सामने आए उस वायरल वीडियो में एक आदमी दिन दहाड़े गोलियां चलाता नजर आया, जिसके बाद वहां दहशत मच गई। लेकिन इसके बाद भी वो आदमी काफी देर तक फायरिंग करता दिखा, जबकि उस आदमी के पीछे कुछ लोग हाथ में डंडे लेकर इधर उधर भागते दिखाई दिए। क्योंकि पटना के बाढ़ इलाके में मामूली बात पर दो पक्षों के लोग भिड़ गए और थोड़ी ही देर में यह मारपीट हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। बताया गया कि झड़प के दौरान दोनों पक्षों के लोगों ने गोलियां चलाई, साथ ही कुछ लोग ईंटें बरसाते भी दिखे, क्योंकि सामने आए उस वीडियो में सड़क पर ईंट और पत्थर भी बिखरे नजर आए। वहीं गोलीबारी की वारदात के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के 27 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।